बता रहे हैं। तो वहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में इतना वोट डाला है तो जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। अभी आप प्रेस में बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियाँ कर लें, तो उसके लिए क्या कैसे निगरानी करने वाले हैं? देखिए, उनका तो शुरू से ही हर जगह बेईमानी के मंशा रहते हैं और बेईमानी करते नहीं हैं, लेकिन एक घोषी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और वहाँ की जनता ने बहुत मुकाबला करके उनकी बेईमानी को रोका है। तो घोषी में तो बेईमानी अभी तक तो नहीं कर पाए, अब उनका प्रयास है काउंटिंग में बेईमानी करने का। तो वहाँ पर भी उनकी बेईमानी को रोकेंगे और हम भी आजमगढ़ में रहेंगे और हमने सभी जिलों के अपने पदाधिकारियों को, अपने विधायकों से लेकर के सतर्क कर दिया है। सभी लोग मऊ की सीमाओं पर डटे रहें तो आप भी और इनकी बेईमानी का पर्दाफाश करते रहें। आप भी सीमा पर रहकर निगरानी करेंगे? अब चुनाव आयोग में भी हम लोग इसकी कंप्लेंट करेंगे, निष्पक्ष काउंटिंग कराएं। अब गोपाल जी, अभी लोग और वहीं जनेश्वर मिश्र जी, लोहिया जी, ये लोग सनातन को अपना मूल मानते थे। सांसद डिंपल यादव ने भी कहा कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, ये इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरीके बयान करते हैं? हम और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम लोग धर्म निरपेक्ष लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और मानेंगे सभी धर्मों को। क्या लग रहा है आपको मायावती जी का कल जो स्टेटमेंट आया उससे कि विपक्ष के साथ उनको होना चाहिए था तभी विपक्ष मजबूत होता है, या उनके न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, पहले वो भारतीय जनता पार्टी से दूरियां करें तब तो बात बने, अब वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से मिले हुए हैं। ये तो पूरा विदेश जानता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं, तो दूरियाँ तो बना। इसको कैसे देखते हैं आपके भारत ही होगा, मतलब इन्विटेशन दिया जा रहा है G20 में, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से दिया जा रहा है, इंडिया ख़त्म किया जा रहा है, इस तरीके की चर्चा चल रही है। इंडिया और भारत दोनों का नाम संविधान में है, तो जब संविधान में नाम है तो ये जब हटाने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब ये देखिए इनके हटाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये 2024 में खुद ही हट जाएंगे। 2024 में क्या लग रहा है आपको, प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं आपके? देखिए, अभी तो बहुत दिन हैं, बाकी दिन हैं, चुनाव होना है, लेकिन इस इंडिया गठबंधन का पूरा प्रयास उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है, तो उत्तर प्रदेश से तो हम लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और पूरे देश से इंडिया गठबंधन इतने मार्जिन से हराएगा भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना